पहले लूप स्टिच बनाएंगे, फैब्रिक से अटैच करेंगे। अटैच होने के बाद चेन टू बनाएंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस छोड़कर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। आप डिस्टेंस को मार्क भी करके रख सकते हैं हर जगह इक्वल डिस्टेंस बनाने के लिए। ये डबल क्रोशे हो गया। अब चेन थ्री पिकॉट बनाएंगे इसके पॉइंट पर, अब जो ये डबल क्रोशे की जो स्पेस है ट्राइंगुलर स्पेस, इसमें हमें फोर सिंगल क्रोशे बनाने हैं। वन टू थ्री फोर, और वन सिंगल क्रोशे को हमें बेस में बनाना है। ये जो जहाँ पर ये सिंगल क्रोशे, ये डबल क्रोशे का बेस है, सेम हम स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरह से इसे अटैच करते हैं। फिर से चेन टू, वन टू, डबल क्रोशे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डबल क्रोशे को थोड़ा पुल करते हुए बनाएंगे ताकि थोड़ा सा लॉन्ग बने। इस तरह से चेन वन टू थ्री पिकॉट, चेन थ्री पिकॉट बनाएंगे। और सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे के स्पेस में फोर सिंगल क्रोशे, वन बेस में, ये जो होल है इसके बेस में। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। चेन टू, थोड़ी ढीली चेन बनाएंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डबल क्रोशे पुल करते हुए इस तरह से, ताकि डबल क्रोशे थोड़ा सा बड़ा बने। अब पिकॉट वन टू थ्री, ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम जाएंगे तो पिकॉट थोड़ा प्रोमिनेंट बनता है, इस तरह से निकालेंगे और ये दोनों में से निकाल देंगे, सिंगल क्रोशे जैसा बनाएंगे, सिंगल क्रोशे जैसा। अब ये डबल क्रोशे की स्पेस भी बढ़ गई है, इसमें फोर सिंगल क्रोशे। वन बेस में, होपफुली आपको ये पैटर्न समझ गया रहेगा। तो इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे और इस तरह से ट्राइंगुलर पैटर्न बनेगा, ये स्पाइकी पैटर्न, ये पूरे क्रोशे या स्कार्फ में बनाते जाएंगे।